हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब गाइस? होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आज मेरे पैरों में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द, तो मैंने कहा क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा चलो आज हम अपने पैरों की सिकाई करते हैं हल्के से गुनगुने पानी से। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि जब भी आपके पैरों में दर्द हो, थकान हो, या आप बहुत ज़्यादा चले हों और आपके पैर एकदम थक के चूर हो गए हैं, तो आज से मैं आपको क्या करना चाहिए कि आपके पैरों का सारा दर्द निकल जाए और ये दर्द आपका चुटकियों में दूर हो जाएगा। आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस देखिए, हमने यहाँ लिया है ये गुनगुना पानी, ये हल्का गुनगुना पानी है, एक टब में हमने इस तरह से ले लिया है और अब हम इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ डालने वाले हैं। सो गाइस देखिए, वो चीज़ है ये है सेंधा नमक। जी हाँ, सेंधा नमक से हमारे पैरों की जो भी थकान होती है, सेंधा नमक उसको खींच लेता है। तो हम बताते हैं कि इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो इसको हम डालते हैं इस तरह से पानी में, और मेरे पास ये है एक फूल गुलाब का, इसको भी हम डाल देंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा इससे। तो अब हम अपने पैरों को इसमें डालते हैं। और थोड़ी देर के लिए पैरों को हम इसी तरह से छोड़ देते हैं। और अगर और भी फूल हो आपके पास तो आप डाल दीजिए, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आएगी आपको। ये मेरे पास रेडीमेड है फ्लावर, तो ये मैं डाल देती हूँ ऐसे, बहुत ही अच्छा लगेगा ना। और ये सेंधा नमक है ना, अगर आपको कहीं पर भी पेट में दर्द है या फिर कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, तो आप एक बॉटल ना गर्म पानी भरिए, बॉटल आप कांच की लीजिए, उसमें गर्म पानी भर के सेंधा नमक डालकर और उससे सिकाई करिए। सच में इतनी जल्दी दर्द जाता है कि क्या बताऊँ। ये मेरी मम्मी बताती है, मेरी मम्मी ऐसा ही करती थी, जब भी हम लोगों को दर्द होता था पैर में या फिर कमर में, उनको दर्द होता है मम्मी को कब, तो फिर वो ऐसे ही सिकाई करती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए फूल, इसको मैं तोड़ूंगी नहीं, किसको ऐसे ही अच्छा लग रहा है। ओरिजिनल वाला रोज है ये, नेचुरल रोज। और ये है रेडीमेड वाले सारे फ्लावर। ऐसा हमें 10 मिनट तक करना है, 10 मिनट तक इस पानी को हमें अपने पैरों में ऐसे ही पानी को के अंदर पैरों को तरह से रखना है, फिर हम देखेंगे कि हमारे पैरों का दर्द सभी निकल जाता है। और नहीं तो हम पानी को इस तरह से हाथों से ऊपर ऐसे करके भी डाल सकते हैं, दिखाते हैं हम आपको इस तरह से। इस पानी को हम इस तरह से ऐसे करेंगे ऐसे, तो भी हमारे पैरों का सभी दर्द निकल जाएगा गाइस। या आप कोई मग्गा ले लीजिए, उसे इस पानी को अपने पैरों पर डालिए, हल्का गुनगुना पानी है। बहुत ही रिलीफ मिलेगा आपको, एक बार आप इसको आजमा कर देखना, बड़े बुजुर्गों का ये नुस्खा है। और फ्लावर डालने से ना इतनी अच्छी फीलिंग्स आती है, पानी जो दिखता है बहुत ही अच्छा लगता है। इसको आप ट्राई करके देखना गाइस, और इससे नमक पड़ा, इससे हमारी स्किन में भी जो भी दाग धब्बे होते हैं और जो भी गंदी स्किन होती है, डेड स्किन होती है, रिमूव हो जाती है। सेंधा नमक इसका भी काम करता है। तो एक नमक से, एक चीज से कितने सारे फायदे हैं ना, ऐसे ही हमें पैरों को डालना है और पानी को ऊपर अपने पैरों पर ऐसे डालना है, जिससे ऊपर का दर्द है तो हमारे पैरों से निकल जाएगा, ऊपर से धीरे धीरे नीचे आके दर्द निकल जाएगा।
तो गाइस ये वीडियो अच्छा लग रहा है अगर आपको तो प्लीज लाइक कर देना। ऐसा आपको 10 मिनट तक करना है, उसके बाद आप अपने पैरों को साफ पानी से पोंछ लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप सादा पानी से भी फिर से दोबारा से अपने पैरों को धोना है, ये पानी भी इतना गंदा नहीं होता है। तो आप बस सादा टॉवल से अपने पैरों को साफ कर लीजिए, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, कोल्ड क्रीम लगा लीजिए, जो भी आपको लगाना है लगा लीजिए। और अभी तो समर है, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं कि हम अपनी स्किन में स्किन को मॉइस्चराइज करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं मत करिए। आप विंटर है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, लेकिन आपको समर में ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। सो गाइज आज का वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल से बिल्कुल भी मत जाना, और फैमिली में फ्रेंड्स में शेयर भी करना। तो आपसे मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, और ये नुस्खा ये आप ट्रिक जरूर आजमाना, बहुत ही आपको आराम मिलेगा इससे। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। चलिए थोड़ा सा पानी अब हम प्ले भी कर लेते हैं इसी में। नहीं प्ले नहीं, दादी माता मुस्कुराए।